नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी बस इतना सा है कि पद की जो संख्या है वो उसमें काफ़ी बढ़ के आई है। करीबन 250 से भी ज़्यादा पद यहाँ पे बढ़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम की डेट भी यहाँ पे निर्धारित कर दी गई है। अक्टूबर, अभी जो मिड अक्टूबर की बात कर रहा था, अब क्या कहें वो अक्टूबर के लास्ट जो वीक में है उसमें प्रस्तावित होगा। तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे अभी आप देखोगे तो ये 8/9/2022 का यूपीपीसीएल के द्वारा ये जारी एक नोटिस है, अधिसूचना है, और इसमें इन्होंने कुछ संशोधन किया है। क्या संशोधन किया है? संशोधन क्रमांक रिक्तियों के विवरण में और महत्वपूर्ण तिथियों में। इनमें किया क्या है कि अभी जो अनारक्षित की जो सीटें हैं वो बढ़ के 512 हो गई हैं। पहले ये 450 की तकरीबन थी। ईडब्ल्यूएस की सीटों में करीबन 24 सीट यहाँ पे भी बढ़ी है। अन्य पिछड़ा वर्ग भी 344 हो गया, यहाँ पे भी करीबन 40-50 बढ़े हैं। अनुसूचित जाति यहाँ पे भी बढ़े हैं और यहाँ पे भी बढ़े हैं। मतलब सारे के सारे में टोटल सुधार आया है। पहले ये पद क्या थे, 1033, अब ये पद बढ़ के हो गए हैं 1273। तो ये आप देख सकते हो कि जो पहले पद थे कितना, 416 थे, अब 512 हो गए। ये जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस में 103 के 127 हो गए। अन्य पिछड़ा वर्ग के 278 थे, 344 हो गए। 216 से 266 हो गए और 20 से यहाँ पे 4 की बढ़ोतरी हुई है। लगभग ऑन एवरेज 40-50 पद सब में बढ़े हैं। जनरल में 100 पद लगभग सुधार हुआ है। तो 250 से भी ज़्यादा पद का बढ़ना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है आपके लिए। आपके पास समय बहुत कम है, इसमें आप महत्वपूर्ण तिथि में देखोगे तो तिथि में वो पहले जो दे रखे थे है ना, यहाँ पे अक्टूबर के जो दूसरा सप्ताह था अभी ये अंतिम सप्ताह बोल दिए हैं एग्जाम का। और एक बात आप समझिएगा कि यूपीपीसीएल एग्जाम डेट के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। दूसरी बात यहाँ पे कि आपकी जो यहाँ पे टाइपिंग है वो कुछ देर में होनी है, वो मैं आपको पहले भी जानकारी दिया था, फिर से जानकारी दे दूं कि लगभग 2 महीने का समय मिलेगा। तो साथ में आप कृतदेव पे आप थोड़ा बहुत अभ्यास करते रहो और एक बार आपका रिटर्न अच्छा हो जाए फिर आप पूरी ताकत उसके टाइपिंग में कर दो। आपको मंगल आती हो या आपको कोई भी ना आती हो तो भी आपके लिए 2 महीना सफिशियंट होते हैं स्पीड लाने में। 35 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। बाकी सारी तिथियाँ वही हैं, 19/8/2022 से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की, ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने की जो तिथि थी 19 अगस्त से थी, 27/9/2022 तक है, 27 सितंबर तक अभी भी इसके आवेदन चल रहे हैं। तो इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, 27 अंतिम तारीख है। लेकिन अब 27 के लिए रुकिएगा नहीं, आप पहले ही फॉर्म भर लीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिए। टीम परीक्षा प्लस के द्वारा जो कोर्स चलाया जा रहा है उसमें सारे क्लासेस बहुत विधिवत तरीके से आपको दिए जा रहे हैं। आप लोग मुझे पता है संतुष्ट भी होंगे, उससे बहुत ज़्यादा आपको लाभदायक भी हो रहा होगा। चाहे कंप्यूटर की क्लास हो, रीजनिंग की क्लास हो, हिंदी की क्लास हो, या जीएस की क्लास हो, या इंग्लिश की क्लास हो, सभी बहुत व्यापक रूप से कराई जा रही हैं और बहुत ही विधिवत एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा जा रहा है सब कुछ वैसे देखते हुए एकदम नए पैटर्न के हिसाब से सारी चीज़ें कवर कराई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर आप हमसे अभी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो जो नीचे नंबर चल रहे हैं इस पर कॉल कर लो, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो। कौन सा? परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको ऊपर ही मिल जाएगा कोर्स। और ये कोर्स अभी मात्र 599 रुपये में है। सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण कोर्स परीक्षा प्लस हमेशा लेके आया लाता है और इस बार भी लाया है। और मैं एक बार आप सभी को धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि जो सैकड़ों की संख्या में आप लोग हम पे एक बार फिर से विश्वास किए। चलिए फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।